know, at least. This side is very good. And what is your relation with Kangana Ranaut currently? What is it like? It's all legal. I'm fighting a legal battle with her. Okay. And supposedly if Kangana Ranaut walks into this room, what would you tell her? I'll tell her, Namaste Queen. हमें माफ कर दो सबको पूरी इंडस्ट्री को ऋतिक को मेरे को अवार्ड्स को वुमेन्स कमीशन को किसको छोड़ा ये बताइए आप प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टर्स को करण जौहर को नेपोटिज्म को उसको तो नेपोटिज्म की बात करने का हक ही नहीं है मैं तो ये पूछता हूँ कि उसने अपनी लाइफ में कोई भी एक ऑडिशन दिया हो गैंगस्टर से पहले तो वो बता दे पब्लिक को हम उसकी बात को यकीन करेंगे नहीं कई किसी ने कुछ नहीं किया जो भी किया है उसने अपने आप किया है और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं मुझे बहुत अफसोस है कि उसने ये किया इस इंडस्ट्री में सर्वे के हिसाब से लोग रोज 8000 लड़कियां और लड़के एक्टर बनने के लिए बॉम्बे में आते हैं उनमें से एक बनता है ठीक है साल में कितने होते हैं 8000 अगर रोज होते सर्वे के मुताबिक मुझे पक्की नॉलेज नहीं है इतना अच्छा सब कुछ होने के बावजूद उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी मुझे इस चीज का बहुत बहुत अफसोस है बिकॉज जब वो स्ट्रगल कर रही थी जब वो नई नई आई थी मैंने उस चीज को अपनी आंखों से देखा है तो उस चीज को उसने एक ही झटके में उसने एक ही मोमेंट में उसने खत्म कर दिया बहुत बहुत दुख की बात है नहीं अभी केस हमने अभी फाइल किया है अभी केस फाइल किया है नेक्स्ट डेट 21 दिसंबर को है मेरी वाइफ और मैंने कंगना रनौत और रंगोली के ऊपर केस फाइल किया है क्योंकि उसने मेरे बच्चों के खिलाफ मेरे परिवार के खिलाफ बहुत सी चीज़ें हैं जो झूठ है वो बोली है नाउ द ओनस इज ऑन हर ठीक है ओनस उन पे है कि जो उन्होंने बोला है उस दो इंटरव्यू में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसके इंटरव्यू में उन दो इंटरव्यूज में उसने जो कहा है उसको वो सच है उसको साबित करना अब ओनस उन पे है दारो मदार उन पर है इनका इंटरव्यू आया था उसके नेक्स्ट डे मेरे घर के सामने नाना नानी पार्क है वर्सोवा में 7 बंगलोज में मैं और मेरे दोस्त का बेटा रिक्की हम दोनों यहाँ वहाँ वॉक करने गए थे और वहाँ 5-6 26-27 साल के लड़के जो यू नो दे वर डूइंग देयर वर्कआउट्स एंड वो अपना मार्शल आर्ट्स कर रहे थे ये कर रहे थे तो जैसे हमने उनको क्रॉस किया वो हमको देख कर कुछ यू नो आपस में बात करने लगे तो मैंने फर्स्ट राउंड लिया तो उन्होंने बात किया सेकंड राउंड लिया तब भी उन्होंने हमको देखकर कुछ जैसे कि वो देखो वो जा रहा है या देखो वो याद देते हैं पंचोलिए जिसने कंगना रनौत को क्या किया था हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था जो भी आपस में बात कर रहे हो बहुत बुरा लगता है थर्ड राउंड में मैंने रुक कर उनसे पूछा आप लोग क्या बात कर रहे बोला नहीं नहीं हम तो कोई बात नहीं कर रहे अगर मैं चुप रहता तो ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही सर झुका कर ज़िंदगी भर चलना पड़ता जो वो मैं नहीं चाहता हूँ क्या इस दुनिया में किसी को हेल्प करना गलत बात है वो नेशनल टीवी पर आके कहती है कि मैं दुनिया इस देश की लड़कियों को कहती हूँ कि कभी यहाँ मत आना यहाँ पर हैवान है और यहाँ पर शैतान है तो बाकी की हीरोइंस यहाँ के अपने आप ही हीरोइंस बन गई यही एक लड़की है जिसने स्ट्रगल किया क्या स्ट्रगल किया बताओ क्या स्ट्रगल किया कोई नहीं देखो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि तुम्हारा पास्ट क्या है तुम क्या हो तुमने क्या क्या किया है यू नो वो डायलॉग है राजकुमार साहब का जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं देखो फिल्म इंडस्ट्री क्या हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है ठीक है इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू नो जब से दुनिया बनी है वो बोलते ना फॉरबिडन एप्पल एप्पल नहीं खाना चाहिए था मगर एप्पल खा लिया अब क्या करें ठीक है हर फील्ड में आप किसी भी इंडस्ट्री में जस्ट बिकॉज हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा लाइमलाइट में रहती है और लोगों को इसके बारे में सुनने में पढ़ने में बहुत रुचि रहती है इसलिए लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए मैं किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं लेता हूँ हर इंडस्ट्री में यह है बट इट डिपेंड्स यू नो ऑन द गर्ल और ऑन द गाय समटाइम्स द गर्ल ऑल्सो अप्रोचेज द गाय You know, it's not always the guy who approaches the girl. It's mutual. And it is never there that, हाँ तुमको ये करना पड़ेगा तो ये होगा. मैंने तो 33 years में ऐसा नहीं देखा. ना ऐसा कभी किया है और ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ. It's the facts. The facts are here. The facts no one has known before are all here. Okay?
एंड द वर्ल्ड शुड नो, वर्ल्ड शुड नो, यू नो, तुमको इस इंडस्ट्री ने इतना दिया है, तुमको तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड एंड यू नो बी नाइस टू पीपल एंड ट्राई टू हेल्प पीपल इंस्टेड ऑफ रनिंग यू नो सीनियर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड द फिल्म फ्रेटर्निटी, यू नो व्हाट, हु आर यू, हु आर यू, यू आर नोबडी, यू आर ओके एक्टर, इससे अच्छे एक्टर इसमें आते हैं, इंडियन आइडल देखा है आपने, सारेगामापा वो होता है ना, उसमें वो छोटा भगवान है ना, इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर. सो एक्टर अच्छा होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप दुनिया की बैंड बजा दोगे, इट्स नॉट डन.